Question number 5. The process to maintain constancy of its internal environment is called option A, equilibrium, option B, epimorphosis, option C, homeostasis, and option D, apoptosis. तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो कि ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखेगा, कांस्टेंट रखेगा. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? होमियोस्टेसिस. होमियोस्टेसिस मतलब एक बैलेंस बना के चलना, डिस्पाइट कितना भी बाहर एनवायरमेंटल कंडीशन बिगड़ा हुआ हो, इंटरनल कंडीशन उसको हैम्पर या इफेक्ट नहीं करनी चाहिए. तो होमियोस्टेसिस इज मेंटेनिंग इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ऑस्मोरेगुलेशन, ये सब. तो ये सब बैलेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी है बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए. बाहर चाहे एनवायरनमेंट में कितना भी कंडीशंस बिगड़ा हुआ हो, वो इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. सो इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? होमियोस्टेसिस. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी.